नमस्कार दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का गेमिंग लोगो बनाना है या फिर आपको अगर अपने YouTube चैनल के लिए गेमिंग लोगो बनाना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है कैसे एकदम प्रोफेशनल गेमिंग लोगो बना सकते हैं जैसे कि बड़े बड़े गेमिंग चैनल्स के होते हैं। सो गाइस, चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी बात पर आप जो है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को। सो गाइज, लोगो बनाने के लिए आपको जो है एक ऐप डाउनलोड कर देना है, और वो ऐप कैसे डाउनलोड करना है और इस ऐप का नाम क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। सो गाइज, सबसे पहले तो हमें उस ऐप को ओपन कर लेना है। एंड गाइज, जैसे हम इस ऐप को ओपन कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब हमें यहाँ पर चले जाना है क्रिएट पे। सो गाइज, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगोस दिखाई दे देते हैं, तो इन लोगोस को जो है हम अपने मेन लोगो के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं जो है सभी लोगों को अभी कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। एंड गाइज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे जो है हमारे लोगोस मिल जाते हैं, तो वो हम लगा सकते हैं अपने लोगों में। सो गाइज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे जो है लोगो आ चुके हैं, और यहाँ पे हम स्क्रोल करते हैं फिर भी हमें यहाँ पे लोगोस ख़त्म नहीं हो रहे। सो गाइज, जैसे कि अगर मान लो मुझे ये वाला जो है लोगो हमें लगाना है, तो हमें इस लोगो को कुछ इस तरीके से लगा देना है और इसे थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेना है। अब दोस्तों, हमें यहाँ से चले जाना होगा अपने सेटिंग में। एंड गाइज, यहाँ से हम जो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने वाइट रखा तो जो पहले वाला था वही आ चुका है। अब हम इसका कलर जो है येलो रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, या फिर ऐसे पूरा ब्लैक भी कर सकते हैं। सो गाइज, इसके जो है मैं अभी वाइट रखने देता हूँ, और यहाँ से हम जो है इस लोगो की ओकेपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों, हमें यहाँ से चले जाना है टेक्स्ट पे, और यहाँ पे अगर आपका चैनल का जो भी नेम होगा वो आपको यहाँ से लिख देना है। तो अगर आपका चैनल का नेम होगा तो वो आपको लिखना है, या फिर अगर आपको चैनल का नेम नहीं लिखना तो भी चलेगा। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ऐसा ही लिख दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो गाइज, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे ही चैनल नेम। और यहाँ पे हमें जो है कुछ इस तरीके से सेट कर देना है अपने चैनल के नेम को। एंड गाइज, यहाँ से जो है हमें बहुत सारी फॉन्ट्स मिल जाती है जो कि हम अपने टेक्स्ट में लगा सकते हैं। सो गाइज, यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट पसंद आए आप वो लगा सकते हो, और फॉन्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको जो है अगर आप जो है कैपिटल लेटर्स में यहाँ से लिखोगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे कि अभी ये जो है कैपिटल लेटर में तो ये अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपको जो है कैपिटल लेटर्स में लिखना प्रीफर करो। एंड गाइज, यहाँ से हम जो है कलर में चले जाते हैं, तो यहाँ से हम जो है अपने जो हमने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि अभी मैंने कर दिया है ऑरेंज, यहाँ से हम ब्लू भी कर सकते हैं, तो अब मैं जो है ऑरेंज रहने देता हूँ। एंड गाइज, अब जो है हमें यहाँ से चले जाना है शेडो पे, और यहाँ से हम जो है टेक्स्ट की शेडो भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाई है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम चले जाएंगे तो यहाँ से हम जो है ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं। सो गाइज, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो दो कलर्स में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने येलो किया तो यहाँ पे येलो और हल्का सा आपको ग्रीन भी नीचे दिखाई दे रहा होगा। सो गाइज, ये जो है रेडियंट वाला कलर भी अच्छा लगता है अगर आपको रखना हो तो। सो गाइज, यहाँ पे आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी जो है अपने जो हमने लिखा है टेक्स्ट उसका जो बॉर्डर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम जो है स्ट्रोक को बढ़ा देंगे तो हमारा ये जो है नेम अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें जो स्ट्रोक को मिडल में रखना है या फिर मिडल से थोड़ा सा कम रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम स्ट्रोक के भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम ब्लू कलर की स्ट्रोक चाहिए तो हम ब्लू कलर कर सकते हैं, यहाँ पर रेड चाहिए तो रेड कर सकते हैं, हमारे जो है टेक्स्ट की बॉर्डर बन जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है ग्राफिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर हम जो है यहाँ पे अपने लोगों के पीछे भी कुछ इंटरेस्टिंग सा लगाना हो तो आप वो भी फोटो लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ, तो ये जैसा हमने जो है लोगो चूज़ किया है वैसा ही उसका जो है पीछे का बैकग्राउंड भी हम चूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आपको जो है सेम जो है आपने जो लोगो चूज़ किया है वैसा ही बैकग्राउंड चूज़ करना है, जो कि जिससे कि हमारा जो है फ़ोटो बहुत अच्छा लगेगा।
सो गाइज़ यहाँ पे आपको जो है बैकग्राउंड्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और ये जो है बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। अब दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड नहीं रखना तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको चले जाना होगा ब्लैंक पे, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों जैसे हम ब्लैंक पे चले जाएंगे तो हमारा कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा और ये एक PNG टाइप का हमारा फ़ोटो बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम जो है बैकग्राउंड में कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई कलर रखना हो तो वो हम कुछ इस तरीके से कलर भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारा लोगो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगने लगेगा। और यहाँ पे आपको जो भी अपना मैचिंग कलर होगा वो लगा देना है। तो यहाँ पे जो है रेड कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर हम ऐसे ही वाइट भी रख सकते हैं। सो गाइज़ अभी के लिए मैंने जो है रेड कलर रख दिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पे भी ग्रेडियंट्स हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे हमने रेड सिलेक्ट किया तो ऊपर जो है थोड़ा सा डार्क रेड आ जाएगा, नीचे एकदम सा वाइट आ जाएगा। ऐसा जो है हम ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोटो के पीछे। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये जो है ब्लू ग्रेडियंट, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा आपको जो भी ग्रेडियंट सिलेक्ट करना हो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है अगर हम रेडियल कर देते हैं, सो गाइज़ रेडियल का मतलब ये होता है कि हम जो है सर्कल टाइप का जो है हमारा ग्रेडियंट बन जाएगा, एंड जो ये जो लीनियर है, लीनियर का मतलब जो है हमारा स्ट्रेट बनेगा। सो गाइज अगर हम यहाँ पे सर्कल टाइप का बनाएंगे तो हमारा लोगो जो है कुछ ज़्यादा अच्छा लगाएगा। सो गाइज यहाँ से जो है जैसे ही मैंने ये ब्लू किया और रेडियल किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा फ़ोटो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे फ़ोटो की जो है मेन जो PNG है उसके पीछे जो है ग्रीन कलर आ रहा है और उसके पीछे जो है ब्लू कलर आ रहा है, इससे जो है हमारा फ़ोटो और भी अच्छा लग रहा है। सो गाइज अब जो है यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स से जो है कुछ इस तरीके के इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं अपने फ़ोटो के पीछे, और इसकी जो है ओकेपेसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ये इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड गाइज इससे जो है हमारा एकदम जो है प्रोफेशनल टाइप का लोगो बन सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखो तो। सो गाइज ये जो है ये कुछ इस तरीके का है, अब हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो है अगर आप जो है कलर ना रख के ये रखो ना तो ये इससे जो है हमारा फ़ोटो काफ़ी बढ़िया दिखाई देगा, जैसे कि मैंने अभी ये ब्लू रखा है। सो गाइस ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कुछ ऐसा प्रीफर करो कि जो जिसमें ऐसा सर्कल टाइप का हो, जैसे कि हमने जो है पहले सर्कल टाइप का जो कलर सिलेक्ट किया था वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था, अब जो है हमने कुछ इस तरीके का फ़ोटो सिलेक्ट किया सर्कल टाइप का तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइज ये भी जो है सर्कल टाइप का है, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं जो है ग्रीन रख देता हूँ अभी के लिए। एंड गाइज अब मेन बात आती है कि हमने जो है हमारा पूरा लोगो बना दिया, जो है हमारी पूरी एडिटिंग कर ली, हमारा नेम लिख दिया, लेकिन दोस्तों अब जो है हमें डाउनलोड कैसे करना है। सो गाइज डाउनलोड करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल है, हमें बस इस सेव वाले बटन पर टैप कर देना है। एंड गाइज जैसे हम सेव वाले बटन पर टैप करेंगे तो अब ये जो है ये दो फॉर्मेट है, अगर आपको PNG फॉर्मेट में करना हो तो आप PNG पे टैप कर सकते हैं, या फिर आप जो है JPG में भी टैप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं JPG कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोटो जो है वो सेव हो चुका है हमारी गैलरी में। अब दोस्तों मेन बात आती है कि इस ऐप का नाम क्या था। सो गाइस यहाँ पे इस ऐप का नाम है स्पोर्ट्स लोगो मेकर। एंड गाइस यहाँ पे आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल में चले जाना होगा, और यहाँ पे आपको लिखना है स्पोर्ट्स लोगो मेकर, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऐप भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी जो है लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।